अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम लोग 2.1 का मेन क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। सब एक ही जैसे सम, जैसा पहला सम है वैसे ही दूसरा, वैसे ही तीसरा, वैसे ही चौथा, वैसे ही पांचवा। तो बस आपको एक सम समझने की देरी है, अपने आप आपको चार सम समझना आ जाएगा, है ना। वैसे तो मैं आपको सारे पांच सम कराने वाला हूँ, ध्यान से देखना। शुरुआत में हल्की सी आपको अड़चन जरूर आएगी, लेकिन वही मेरा लेक्चर सुनो एंड तक, मेरा लेक्चर बार बार सुनो, एट द एंड आपको चीज समझ में आ ही जाएगी, है ना। चलो समझाते हैं क्वेश्चन ने क्या काम किया है। पहले देखो क्वेश्चन कहता है कि ये जो दिए हुए लोग है ना, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखो। सुने, अरे सुने, क्वेश्चन कहता है कि ये जो दिए हुए लोग, वैसे तो मैंने दो क्वेश्चन लिए हूं, सम नंबर 2 और सम नंबर 3 समझाने के हिसाब से, और भी लेंगे इसके बाद 3 सम। क्वेश्चन कहता है कि ये जो दिए हुए लोग है इसको P अपॉन Q के फॉर्म में, ये जो दिए हुए लोग है इसको P अपॉन Q के फॉर्म में। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनो, अगर आपको कल का समझ आता है तो मैं ऐसे ये क्वेश्चन देता हूं 23/7, ऐसे ही, अब पता नहीं ये कितना सही है। कल मेरे पास फ्रैक्शन था और लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, सुने, कल मेरे पास फ्रैक्शन था और लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना था। मान के जो इसका आंसर आया है 1.173 और ये बार, ये ऐसे या मैंने एक ऐसी चीज दिया उस पर लिखने का कि क्या सही है और क्या गलत है, मैंने ऐसे एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। कल तक मेरे पास फ्रैक्शन हुआ करता था और मुझे लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, लोग ऐसे आते थे। सुने, कल तक मेरे पास डेसिमल हुआ करता था, मुझे लोगों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता था, डिवाइड करता था मैं और आखिरी में ऐसा आता था। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पेज पर देख लो, आपने कहीं लिखा होगा उसे, है ना, आखिरी में, वो जो मैंने कल मेन क्वेश्चन 2 करवाया था उसके आखिरी में तो ऐसा आता था कि हाँ हमारा फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में ऐसा दिखता है। कल तक मैं यहां से यहां आ रहा था, कल तक मैं फ्रैक्शन से डेसिमल में आ रहा था, आज मैं डेसिमल से फ्रैक्शन में आ रहा हूं। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, कल मैं फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा था, आज मैं डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो तो लिखा है, क्वेश्चन कहता है ये जो दी हुई चीज है इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो दी हुई चीज है इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। बस आपके लिए इतना बस कि हाँ लोगों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही आता है। अगर आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा और अगर ये चैप्टर में आने वाला है तो ये तो सम आना ही है, 100% आना ही है, ठीक है। तो फिर तुम ध्यान सुन रहे, जैसे ही मैंने सुना कि लोगों को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मेरे दिमाग में ये स्टेप्स घूमने लग गए कि हाँ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं अजम्पशन करूंगा, उसके बाद मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, उसके बाद मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, और आखिरी में मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। बस देखो हर सम को लेके आपके जहन में एक स्टेप होना चाहिए और उस स्टेप को ही फॉलो करते हुए आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने ये सुना कि मुझे मेरे लोगों को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बस फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, हाँ मैं सोच रहा हूं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, हाँ उसके लिए स्टेप्स है। पहला स्टेप अजम्पशन, दूसरा स्टेप मल्टीप्लीकेशन, तीसरा स्टेप सब्ट्रैक्शन, चौथा स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। समझा, ये स्टेप फॉलो करते रहना आपका काम होता रहेगा, ठीक। अरे ठीक, एक बार फिर से दोहराता हूं, बोर नहीं होने का, मैं आप भी दोहरा रहा हूं,
कि अगर एक बार मैंने समझा तो दूसरी बार में समझ जाएगा, दूसरी में नहीं तो तीसरी में, तीसरी में नहीं तो चौथी में, कभी ना कभी तो समझ ही जाएगा। चलो क्या काम दिया गया है, क्वेश्चन कहता है लोगों को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। पी अपॉन क्यू मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या स्टेप्स है, सबसे पहले अजम्पशन, दूसरा मल्टीप्लीकेशन, तीसरा सब्ट्रैक्शन, चौथा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये स्टेप्स लेते चलो आपका काम होता रहेगा। सम शुरू करते हैं, सम नंबर वन, सारा ध्यान बोर्ड पे, जितनी समझने की शक्ति है ना सब लगा दो, सिर्फ बोर्ड पे देखोगे। चलो सबसे पहला स्टेप अजम्पशन, तो मैं आपको लिखता हूं सॉल्यूशन, अजम्पशन अजम्पशन अजम्पशन। देखो अजम्पशन में क्या होता है, जो भी दिया है ना वो सारी चीज एक्स के बराबर, तो अगर मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला स्टेप अजम्पशन, तो जो भी दिया है, आप देखो अब मैं इसको भी सॉल्व कर लूंगा साहब, तो जो भी दिया है वो एक्स के बराबर, बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है, तो इस तरह से मेरा पहला स्टेप पूरा हो गया, जो भी दिया है वो एक्स, जो भी दिया है वो एक्स, जो भी दिया है वो एक्स, ठीक। अब फिर आप बोलोगे सर क्यों एक्स, क्यों नहीं वाई, क्यों नहीं जेड, क्यों नहीं ए, क्यों नहीं बी, जो भी दिया है वो एक्स ही क्यों? तो मैं बोलूंगा मेरे स्टेप में मैं क्या फाइंड करने वाला हूं, एक्स। तो जब मैंने मेरे स्टेप में एक्स का जिक्र करके रखा हूं तो मेरे सॉल्यूशन में भी तो एक्स का जिक्र होना चाहिए ना, है कि नहीं? तो ये जरूरी नहीं कि मैं एक्स ही लूं, अगर मैं मेरे स्टेप में वाई लेके रखूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो आप यहां पर वाई दिखा देना, अगर मेरे स्टेप में फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड है तो आप जेड दिखा देना, फिलहाल मेरे स्टेप में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है तो मैंने क्या दिखा दिया, एक्स। समझा समझा? तो अगर वो अजम्पशन है, अगर वो अजम्पशन है तो जो भी दी हुई चीज है वो एक्स, जो भी दी हुई चीज है वो एक्स। इस तरह से आपका पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप मल्टीप्लीकेशन, दूसरा स्टेप मल्टीप्लीकेशन, दूसरा स्टेप मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन, अगर वो मल्टीप्लीकेशन है तो मैं लोगों को 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं लोगों को 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये तीन पॉसिबिलिटी है ना, इस बात समझे। अगर मेरा दूसरा स्टेप मल्टीप्लीकेशन है तो मैं लोगों को 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं लोगों को 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं लोगों को 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मेरे पास तीन गुंजाइश है, मेरे पास तीन केस है। तो आप बोलोगे सर तीन केस में से किसको चुनना है मालूम कैसे पड़ेगा? यही सवाल होगा आपके मन में कि सर मल्टीप्लीकेशन में हम 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम किसको चुने और कैसे? तो सुनना सुनना ध्यान से, डेसिमल बाद लोगों को गिनो, अगर डेसिमल बाद लगे एक लोग है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, डेसिमल बाद अगर लगे दो लोग है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, डेसिमल बाद अगर लगे तीन लोग है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना। समझा समझा? डेसिमल बाद अगर लगे एक लोग है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, डेसिमल बाद अगर लगे दो लोग है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, डेसिमल बाद अगर लगे तीन लोग है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना। तो हर चीज डिपेंड करती है कि डेसिमल के बाद कितने लोग हैं। चलो देखते हैं, सब बोर्ड पे देखिए। तो ये रहा डेसिमल, देखो मैं थोड़ा सा उसको बोल्ड कर देता हूं, ये रहा डेसिमल, डेसिमल बाद दो लोग, तो 100 से ये मल्टीप्लाई होगा, 100 × 0.37 बार, ठीक ठीक। फिर आप बोलोगे दो दो बार 100 कैसा? तो मैं बोलूंगा मैथ्स का नियम है, जो एक के साथ वो सबके साथ। अगर मैं इस तरफ 100 दिखा रहा हूं तो ये जरूरी है कि मैं उस तरफ भी 100 दिखाऊं, मैथ्स का रूल है, जो एक के साथ वो सबके साथ। अगर मैं राइट हैंड साइड में 100 दिखा रहा हूं तो
तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी 100 दिखाऊंगा। सही है इन केस मैं एक एग्जांपल ले लूं आपके लिए, अगर ऐसा होता 0.9 बार तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता, तो आप बोलते हैं सर डेसिमल बार एक लोग है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना। सही, इन केस अगर ऐसा होता 1.913 मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता, तो आप कहते सर डेसिमल बार 3 लोग हैं तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको सेकंड स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जरा रिपीट करो, तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है? मल्टीप्लीकेशन। बोलो बोलो हमारा सेकंड स्टेप क्या है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन या तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 10 से कब? जब डेसिमल बार एक लोग। 100 से कब? जब डेसिमल बार 2 लोग। 1000 से कब? जब डेसिमल बार 3 लोग। तो किससे मल्टीप्लाई करना है वो डिपेंड करता है कि डेसिमल बार कितने लोग। ठीक है चलो। अब जो आपने इन चीजों को फैला के रखा है ना, जैसे मैं कहूं कि आपने ऐसा दिखा के रखा है कि मल्टीप्लाई करना है, जो आपने चीजों को फैला के रखा है समेटो, कैसे कैसे 100x ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना, 4x 4x 4y 4y 10 into A 10A 100 into x 100x सही है 100 into x 100x। एक ही चीज समझने वाली है, और अब आप जरा एकदम ध्यान से देखना, मैं उसी ही चीज को समझा रहा हूं, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो। ये पार्ट जिस बच्चे ने संभाल लिया ना उसका सम सॉल्व हो गया। गौर से मैं आपको इसको सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगा, एक पूरा लॉन्ग जिससे आपको बारीकी से स्टेप्स मिल जाएंगे कि हाँ ये आंसर कैसे आया और क्यों आया, और एक शॉर्टकट। जब आप लॉन्ग में एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप शॉर्टकट यूज करना शुरू करेंगे। हाँ चलो, बस यही वो पार्ट है जिसको मुझे समझाना है, बाकी सब तो मैंने आपको स्टेप बता दिया कि हाँ पहला स्टेप अजम्पशन, दूसरा स्टेप मल्टीप्लीकेशन, तीसरा स्टेप सब्ट्रैक्शन, और चौथा स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बस यही एक हिस्सा है जो आपको गौर से समझना है, ये समझ गया तो सम खत्म। ठीक है चलो देखो, सब देखो समझो, इसको मैं यहां लिख लेता हूं ताकि रफ में आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा सकूं। 100 into 0.37 बार मैंने कल बार के बारे में आपसे क्या जिक्र किया था? मैंने कहा था कि जिसके ऊपर बार है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो बार बार है। सही, मैंने क्या कहा था? जिसके ऊपर बार है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो बार बार है। तो अगर 37 के ऊपर बार है दैट मीन्स कि 37 बार बार है, इतनी बार है कि पता नहीं वो कितनी बार है। अरे ठीक, जिसके ऊपर बार है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो बहुत बार है या वो अनगिनत बार है। सही, तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया एक स्टेप आगे। फिर जब मैं आपको डॉट है मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं, आपको दिखाई दे, मुझे इस 100 को इससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे इस 100 को इससे मल्टीप्लाई करना है। मैं यहां से यहां आ चुका हूं, अब मैं और आगे जाना चाह रहा हूं, लेकिन कैसे कैसे? मुझे इस 100 को, मुझे इस 100 को इनसे मल्टीप्लाई करना है। अगर 100 into 4 होता तो कोई गम नहीं था, हम फटाक से 400 लिख दिए होते। अगर 100 into 7 होता तो हम फटाक से 700 लिख दिए होते। लेकिन अब जिसको मल्टीप्लाई करना है ना वो दिखने में काफी खतरनाक है, अब देख सकते हो कि नहीं, तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी है। देखो मैं कैसे काम कर रहा हूं, मैं सबसे पहले ये जो डेसिमल है
दिख रहा है डेसिमल, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, मैं यहां पे एक लाइन खींच रहा हूं डेसिमल के इस तरफ वाला और डेसिमल के उस तरफ वाला। अब डेसिमल को डेसिमल लिखो, लिखे जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करो तो ही काम बनेगा आपका। डेसिमल का डेसिमल लिख दिया, ये एक जीरो गया और यहां पे सबसे पहले कौन मिला, थ्री, तो उसने थ्री को लेकर यहां आ गया। अब ये दूसरा जीरो जाएगा और दूसरी चीज को लेके आ जाएगा, ठीक। अरे ठीक, पहला जीरो गया पहली चीज को लेके आ गया, दूसरा जीरो गया दूसरी चीज को लेके आ गया। अब जब यहां का थ्री सेवन यहां आ गया तो यहां पे क्या बचा, डेसिमल के इस तरफ वाला थ्री सेवन जब यहां आ गया तो वहां क्या बचा, ये सवाल होगा आपके मन में। यहां पे इतने ज्यादा बार थ्री सेवन है कि अगर एक बार थ्री सेवन चला भी गया तो इसको क्या फर्क पड़ता है, थ्री सेवन थ्री सेवन थ्री सेवन थ्री सेवन सो मेनी टाइम। अगर ये वाला थ्री सेवन वहां चले भी गया तो ये बचा ये बचा ये बचा और ये बचा ना, बचा कि नहीं बचा। और आगे चलो, थ्री सेवन एज इट इज डेसिमल का डेसिमल, अब मैं इतने ज्यादा बार दिखाऊं उससे अच्छा है कि मैं थ्री सेवन बार ही, और ये मेरा मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर है। तो अगर बात हो रही है कि 100 को इससे मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई में क्या आंसर आएगा, 37.37 बार, ठीक ठीक। एक बार फिर से देखते हैं, अब थोड़ा होश ठिकाने आ गए होंगे कि ये क्या होगा, वापस देखिए वापस देखिए, हम कहता हूं उसको देखो देखो, ये तो मैं आपको लॉन्ग फॉर्म दिखा रहा हूं, लॉन्ग फॉर्म समझ गया बहुत अच्छी बात है, फिर अपन शॉर्ट फॉर्म भी देखेंगे। चलो इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, हाँ मैं चाहता हूं कि काम डिटेल से शो किया जाए ताकि सबको समझ में आ जाए। क्या लिखा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो उससे पहले मैं 100 का 100 इंटू का इंटू, 37 के ऊपर बार है मतलब 37 बहुत बार है, 37 बहुत बार है, पता नहीं कितने बार है लेकिन बहुत बार है, अनगिनत, ठीक ठीक। एक से पर आगे जाओ, ये डेसिमल दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, ऐसा बीच में एक लाइन खींचने का, इस तरफ जीरो है, डेसिमल को आगे बढ़ाओ, एक जीरो जाएगा थ्री ले आएगा, दूसरा जीरो जाएगा सेवन ले आएगा, पहला जीरो गया पहली चीज लेके आ गया, दूसरा जीरो गया दूसरी चीज लेके आ गया, वहां क्या बचा, क्या बोलोगे, ये बच रहा है, थ्री सेवन थ्री सेवन थ्री सेवन सो मेनी टाइम्स थ्री सेवन। और आगे जाओ और आगे जाओ, इसको मैं और कैसा लिख सकता हूं, अगर मैं बार देख के चीजों को खोल सकता हूं तो खुली हुई चीज को मैं बंद तो कर सकता हूं, अगर मैं बार देख के चीजों को खोल सकता हूं तो खुली चीज को मैं बंद तो कर सकता हूं, करो बंद करो, थ्री सेवन का थ्री सेवन डेसिमल का डेसिमल, इन सब के बदले में खाली बार शो कर दो, यहां भी ये मतलब निकल रहा है कि थ्री सेवन बहुत बार है, यहां भी ये मतलब निकल रहा है कि थ्री सेवन बहुत बार है, लेकिन ये मेरा क्या है आंसर, ये मेरा क्या है आंसर। इसको उठा के यहां लिख दो, आपका दूसरा स्टेप पूरा हो गया, आपका दूसरा स्टेप पूरा हो गया। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, हर समय ऐसा ही अपन धीमे धीमे करके चीजें सॉल्व करते रहेंगे, आपको आखिरी में तो चीज समझ में ही आ जाएगी, है ना। चलो ये तो लॉन्ग फॉर्म हो गया, अब जरा शॉर्टकट में देखें, अब जरा शॉर्टकट में देखें, मैं दोनों मेथड इसको सिखा दे रहा हूं कि जिसको जैसा आसानी,
अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इतना सारा काम नहीं करने का है, फटक से आंसर आ जाए, तो फटक से आंसर दिया देखो आप क्या करोगे। देखो सब बोर्ड पे देखेंगे तो ही समझ में आएगा, यहाँ ध्यान रखने का नहीं। देखो डेसिमल का डेसिमल है ना, देखो ये इधर डेसिमल था, यहाँ क्या डेसिमल, इसको इसको लेके मेरे जहन में एक चीज चल रही है कि 37 बहुत बार है, 37 अनगिनत बार, अनगिनत। एक जीरो गया 3 लेके आया, दूसरा जीरो गया 7 लेके आया, ऐसे लोगों ने सिखाया था आपको, एक जीरो गया 3 लेके आया, एक जीरो गया 7 लेके आया, वैसे एक जीरो गया 3 लेके आया गया, दूसरा जीरो गया 7 लेके आया। अब ये तो रही डेसिमल की किस तरफ वाली बात, उस तरफ क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर उस तरफ 37 बार बहुत बार है, अगर एक चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, ये पहले भी 37 बार था, ये अभी भी 37 बार रहेगा। सुने क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप, बोलोगे सर यहां पे 37 बार बहुत बार था, अगर एक बार 37 चला भी गया तो उसको क्या फर्क पड़ता है, ये पहले भी बहुत बार था या अभी भी बहुत बार है, तो इसे से मान जाएगा। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दू, कभी कभी समुन्द्र को देखे हो, ओशियन जिसको कहते हैं है ना, उसमें कितना सारा पानी होता है, अगर मैं समुद्र में जाके वहां से एक बोतल पानी ले आऊं तो क्या समुद्र को फर्क पड़ेगा, क्या मेरे को कोई पकड़ लेगा कि नहीं पानी नहीं लेके जाना है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि समुद्र में बहुत पानी है। मैं एक बोतल पानी लूं क्या फर्क पड़ता है, मैं एक बाल्टी पानी लूं क्या फर्क पड़ता है, मैं एक टैंकर पानी लूं क्या फर्क पड़ता है, सही, तो क्या मेरे एक बोतल पानी लेने से समुद्र का पानी कम हो जाएगा, नहीं। वैसे ही अगर 837 डेसिमल के उस तरफ चला गया तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहले भी 37 बार था या अभी भी 37 बार है, समझा, समझा। आप इतना सारा काम करो फिर आंसर ले आओ, या आप डायरेक्टली आंसर ले आओ, आंसर आने से मतलब है, आप रफ में काम करके मेन आंसर ले आओ, या बिना काम के मेन आंसर ले आओ, मुझे आंसर चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट समझ गए, आगे चलते हैं, बस अब सम खत्म। तीसरा स्टेप क्या बताओ, तीसरा स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्शन। तीसरा स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में भी आप तीसरे स्टेप को पहले वाले से माइनस करोगे, सब्ट्रैक्शन में भी आप तीसरे स्टेप को पहले वाले स्टेप से माइनस करोगे। तो देखो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा और राइट हैंड साइड से माइनस होगा, लेकिन तीसरा भी ये ऐसा, सुने ठीक है, चलो माइनस करते 1 2 3, तीसरा वाला पहले से माइनस, अगर देखो इक्वल टू मैं सब निष्पात में बोल, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और उस तरफ वाला क्या होता है, राइट हैंड साइड, तो तीसरा वाला तीसरे वाले से, लेफ्ट हैंड साइड 100 में से एक्स गया, 100 बार एक्स में से एक बार एक्स गया, अब 11 इसको इससे 37.37 बार तीसरा वाला पहले वाले से माइनस 0.37 बार, ठीक है। अरे ठीक है, तो अगर सब्ट्रैक्शन है तो आप तीसरे वाले को पहले वाले से माइनस करोगे, तीसरे वाले को पहले वाले से, तीसरा वाला पहला, क्या करने का है, माइनस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, जिस तरह से मैंने मल्टीप्लाई दिखाया था और मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, उसी ही तरह से अगर मैं माइनस दिखा रहा हूं तो माइनस भी कर दो, कैसे, 100 बार एक्स में से एक बार एक्स क्या, 99 बार एक्स, ऐसे होता है, 100 रुपए है आपके पास और मैंने आपसे 1 रुपए ले लिया, कितना बचा, 99 रुपया, देखो 100 बार रुपया में से मैंने आपसे 1 रुपए ले लिया, तो आपके कितना बचा, 99 रुपया बचा ना, वैसे 100 में से 1 गया 99 रुपया, यहां भी है रुपया, यहां भी है तो रुपया, यहां भी, वैसे 100 बार एक्स में से
एक बार देख सकता कितना बचा है 99 times 6 फिर माइनस करना है 0.37 बार कैंसिल आप डायरेक्ट भी कर सकते हो है ना। देखो अगर मैं रफ में दिखाऊं 37.37 बार डेसिमल के नीचे डेसिमल उस तरफ क्या है 37 बार और इस तरफ क्या है 0 तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया है ना इसेंशियल तो कैंसिल हो गया 37 से कुछ नहीं गया 37 आप रफ में भी कर सकते हो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट 37 बार कैंसिल 37 में से कुछ नहीं गया 37 ये मेरा सब्ट्रैक्शन हो गया। तो पहला स्टेप अजम्पशन, दूसरा स्टेप मल्टीप्लिकेशन, तीसरा स्टेप सब्ट्रैक्शन, चौथा स्टेप एक्स को फाइंड करो, चौथा स्टेप एक्स को फाइंड करो, चौथा स्टेप एक्स को फाइंड करो। कहां है एक्स? तो आप बोलोगे ये रहा एक्स। अगर मैं कहूं आपसे कि मेरा चौथा स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कहां है एक्स? ये रहा एक्स। मुझे ये वाला एक्स चाहिए, तो आप कहोगे एक्स चाहिए, एक्स अकेला होना चाहिए। क्या बोलोगे? एक्स चाहिए, एक्स अकेला होना चाहिए। अब अगर मैं इस एक्स को अकेला करूंगा तो इस 99 को शिफ्ट करना होगा। अब शिफ्टिंग का नियम होता है, अगर हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो उनकी साइन चेंज होती है। तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड है। ये 99 ऊपर हुआ करता था, अब ये नीचे आ गया, ये नहीं कटेगा। अगर लोग कटे डेसिमल में आ जाएगा, इसे ऐसे ही रहने दो। और ये है मेरा आंसर। जो क्वेश्चन में कहा था जाओ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लेके आ जाओ, देखो ना पी अपॉन क्यू आया कि नहीं आया पी अपॉन क्यू, तो यहीं पे आप पूछ जाओगे और ये हमारा क्या है आंसर। इस तरह से मैंने आपका सम नंबर 2 फिनिश करवा दिया। बस वही सारे स्टेप्स जो आपने सम नंबर 2 में लिए हो वो 3 में लो, 4 में लो, 5 में लो, 1 में लो, काम होते रहेगा। तो मैंने पहला सम कराने में काफी टाइम लिया, लेकिन अब आगे इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। आगे चले सम नंबर 3। ये स्टेप्स कहीं लिख लो, मैं मिटा दूं आगे चल के, मुझे वो चाहिए पोर्शन, सम सॉल्व करवाना है ना, तो उसको कहीं पे लिख लो, टेक्स्ट बुक में लिख लो। चलो क्या काम दिया गया है, क्वेश्चन कहता है लोगों को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो। बस पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मेरे पास तो स्टेप्स है, स्टेप्स अनुसार सबसे पहला स्टेप अजम्पशन, अजम्पशन। चलो लेट जो भी दी हुई चीज है उसको क्या मान लो, एक्स मान लो। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मैं 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं? तो आप कहोगे डेसिमल बाद जितने लोग उतने जीरो से मल्टीप्लाई करने का। तो ये रहा डेसिमल, डेसिमल बाद 2 लोग, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। सही, अगर डेसिमल बाद 1 लोग होते तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, अगर डेसिमल बाद 3 लोग होते तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता। फिलहाल यहां पे डेसिमल बाद 2 लोग हैं तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर मल्टीप्लाई दिखा रहे हो तो मल्टीप्लाई करो। चलो 100 × x इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, सॉल्व कर लोगे? सॉल्व कर लोगे? पहले बड़े में देखते हैं फिर छोटे में देखते हैं। देखो 100 × 3.17 बार, इसको आगे बढ़ाओ तो आप बोलोगे 100 × 100, × 3 × 3, decimal × decimal, 1717 1717 1717, बहुत बार, इतनी बार कि हम गिन सकते नहीं। और आगे बढ़ाओ, ये तो मैंने बार वाले लोग को खोल दिया ना। चलो अब आप बोलोगे यहां पे पार्टीशन करते हैं, डेसिमल के इस तरफ पहले से 3 मौजूद है तो 3 को दिखाओ, है ना, डेसिमल के इस तरफ 3 पहले से ही प्रेजेंट है तो 3 दिखा दो। अब यहां से 1 0 जाएगा, 1 को लेके आ जाएगा, यहां से
दूसरा जीरो जाएगा सेवन को लेके आ जाएगा, ऐसे होता है ना, एक जीरो गया पहली चीज लेके आया, दूसरा जीरो गया दूसरी चीज लेके आया, ठीक। अब अगर ये वाला चला गया है तो तब बोलोगे तो 17 17 17 ये सारे लोग बच गए, जब ये बंद था मैंने खोल दिया, अब जब ये खुला है और मैं बंद कर दूं तो लोग इस तरह से दिखाई देंगे, 17 17 17 17 17 17 बहुत बार, तो 17 17 17 17 बहुत बार दिखाने से अच्छा कि आप सिर्फ ऐसे लिखाओ ना, ठीक। अब इतना ज्यादा रफ्तार करोगे तो उतने में तो सम खत्म हो जाता है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जरूरत नहीं है रफ्तार करने की, शॉर्ट में काम करो। चलो देखो पार्टीशन कर दो, यहां पे डेसिमल है, इस तरफ कौन है पहले से 3, एक जीरो जाएगा 1 लेके आएगा, दूसरा जीरो जाएगा 7 लेके आएगा। अब अगर डेसिमल के उस तरफ से एक बार 17 आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, पहले भी यहां पे 17 बहुत बार था, अभी भी यहां पे 17 बहुत बार है। सुने, डेसिमल के उस तरफ से अगर एक बार 17 यहां आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, पहले भी 17 बहुत बार था, अभी भी 17 बहुत बार है। तो आप शॉर्टकट में भी काम कर सकते हो, आप लॉन्गकट में भी काम कर सकते हो, दोनों के आंसर क्या आने हैं सेम। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सिर्फ समझने के लिए रखो कि हाँ इस तरह से हम आंसर लाते हैं, लेकिन काम शॉर्टकट में कर लेना क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, ठीक ठीक। आगे तीसरा स्टेप सब्ट्रैक्शन, लेकिन कैसे, तो आप बोलोगे तीसरे वाले स्टेप को पहले वाले स्टेप से माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। सुने, तीसरा स्टेप सब्ट्रैक्शन, कैसे तीसरे वाले स्टेप को पहले वाले स्टेप से लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अगर वो इक्वल टू है तो इस तरफ वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और उस तरफ वाले को हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरा वाला पहले वाले से माइनस होगा, तीसरा वाला 1 2 3 तीसरा वाला पहले वाले से माइनस होगा, वैसे ही तीसरा वाला पहले वाले से माइनस होगा, ऐसा हाथ आपको बीच में लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, इस तरफ वाला इस तरफ वाले से, इस तरफ वाला इस तरफ वाले से। समझ रहा है। चलो, मैंने मल्टीप्लिकेशन दिखाया, मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मैं सब्ट्रैक्शन दिखा रहा हूं, मैं सब्ट्रैक्शन भी कर दूंगा। 100 बार x में से एक बार x गया, 99 बार x, 100 बार x में से एक बार x गया, 99 बार x। इसको देखो 0.17 बार कैंसिल, मन में सोचने का 0.17 बार कैंसिल, 317 में से 3 गया 314। आप इसको रफ में ले सकते हो 317.17 बार डेसिमल के नीचे डेसिमल, इस तरफ 17 बार, इस तरफ 3, करो माइनस 0.17 बार कैंसिल, 317 में से 3 गया 314। ऐसे भी 314 आना है, ऐसे भी 314 आना है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप 9th पे पहुंच चुके हो, थोड़े से अपने आप को अपडेट कर लो, काम डायरेक्ट करना शुरू करो, हर चीज में रफ के बीच मत जाओ, ठीक है, ये सब टाइम कंज्यूमिंग होता है। खैर, मेरा सब्ट्रैक्शन हो गया है ना, अजम्पशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, आखिरी स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आखिरी स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मुझे इन सब में से x चाहिए, मुझे इन सब में से x चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, x अकेला होना चाहिए, मुझे इन सब में से x चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, x अकेला होना चाहिए, मुझे इन सब में से x चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, x अकेला होना चाहिए। अब अगर x अकेला होना चाहिए तो इसके पास में जो 99 है वो एक्स्ट्रा है ना, इसको शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड,
अगर ये कटा तो ठीक, अगर नहीं कटा तो भी ठीक, और ये है हमारा आंसर। जो p अपॉन q का फॉर्म चाहिए था ना, ये p अपॉन q, समझ में आ रहा है। मैं आपको दो काम एक साथ करा रहा हूँ, मैं आपको रफ भी करके दिखा रहा हूँ, मैं फैन भी करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको लॉन्ग कट भी सिखा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ। आप दोनों ही काम करो जिसमें आपको अच्छा लगे, मेरा कोई इसमें दखल नहीं है। एट द एंड सम सही होना चाहिए, एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। ये रहे तीन बचे सम, तीनों को उसी ही पुराने लॉजिक से आप सॉल्व करोगे जो मैंने आपको सिखाया। मैंने स्टेप मिटा दिया, अब आप बिना स्टेप के काम करोगे। बिना स्टेप मतलब यहाँ पे देखने को नहीं है ना, लेकिन मन में बोलते रहना। चलो क्या काम दिया गया है बताओ, क्या काम दिया गया है? क्वेश्चन कहता है लोगों को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन कहता है लोगों को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहला स्टेप अजम्पशन, पहला स्टेप अजम्पशन। अजम्पशन में क्या होता है, जो भी दी हुई चीज है हम उसे x मान लेते हैं। अजम्पशन में क्या होता है, जो भी दी हुई चीज है उसे हम x मान लेते हैं। मैंने x मान लिया। दूसरा स्टेप मल्टीप्लीकेशन, या तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, या तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, या तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं, या तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, या तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, या तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं, डिपेंड करता है डेसिमल बाद कितने लोग। डेसिमल बाद दो लोग, मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब अगर मैं दिखा रहा हूं कि मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो 100 into x 100x। अब शॉर्टकट, अब मैं लॉन्ग कट नहीं करा रहा, इतना टाइम नहीं लेगा, 2 घंटे का हो जाएगा। चलो डेसिमल है, पार्टीशन कर दो, कर दिए पार्टीशन। इस तरफ पहले से 15 प्रेजेंट है तो 15 को शो कर दो, है ना। डेसिमल के इस तरफ पहले से 15 प्रेजेंट है तो 15 को दिखा दो। अब पहला जीरो गया, 8 लेके आ गया, दूसरा जीरो गया, 9 लेके आ गया, पहला जीरो गया, 8 लेके आ गया, दूसरा जीरो गया, 9 लेके आ गया, क्या उनको फर्क पड़ा? क्या डेसिमल के उस तरफ वाले लोगों को फर्क पड़ा? आप बोलोगे नहीं, पहले भी 8 9 बार था और अभी भी 8 9 बार है। मैंने कहा था ना, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें से कितना भी पानी ले लिया जाए। तो अगर 8 9 बार मतलब बहुत बार, अनगिनत बार, अगर यहां 8 9 बार में से एक 8 9 चला गया तो क्या इसको फर्क पड़ेगा? नहीं, ये पहले भी 8 9 बार था, ये अभी भी 8 9 बार है। ठीक ठीक। दूसरा स्टेप पूरा, तीसरा स्टेप सब्ट्रैक्शन, तीसरा स्टेप सब्ट्रैक्शन। कैसे? तीसरे वाले को पहले वाले से लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तीसरा स्टेप सब्ट्रैक्शन। कैसे? तीसरे वाले को पहले वाले से लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो देखो 1 2 3 तीसरा वाला, पहला वाला, तीसरा वाला, पहला वाला, तीसरे वाले को पहले वाले से, तीसरे वाले को पहले वाले से। 100 बार x में से एक बार x गया, 99 बार x। 1589.89 बार, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 89 बार और ये 15। चलो माइनस करते हैं, 0.89 बार 0.89 बार कैंसिल। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 5 और ये 1, 1574। तो अगर मैंने दिखाया कि लोग माइनस हो रहे हैं तो मैंने माइनस कर भी दिया, अगर मैंने दिखाया कि लोग माइनस हो रहे हैं तो मैंने माइनस कर भी दिया। आखिरी स्टेप, इन सब में से मुझे x चाहिए। आखिरी स्टेप, इन सब में से मुझे x चाहिए, और अगर x चाहिए तो x अकेला होना चाहिए, अगर x चाहिए तो x अकेला होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, x अकेला हो गया ना, और ये मेरा आखिरी स्टेप खत्म।
अगर ये कटा तो ठीक, अगर ये नहीं कटा तो ये क्या है मेरा आंसर। लोग आ गए ना पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, ये पी है और ये क्यू है और मेरा सम नंबर फोर फिनिश, मेरा सम नंबर फोर फिनिश। मैंने शुरुआत में आपको चीजें लॉन्ग कट में भी सिखाया, शॉर्टकट में भी सिखाया। अब चूंकि आप पुराने हो चुके हो तो मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी शॉर्टकट यूज करो, है ना। देखो इंसान का दिमाग क्या नहीं कर सकता है। बुक बनाने वाला इंसान, पढ़ाने वाला इंसान, पढ़ने वाला भी इंसान, तो अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दो, आप सब कर सकते हो। बस देरी मन किस चीज की है, आपके रिटर्न में प्रैक्टिस करने की। लिख लिख के देखो, 100 बार लिखो, कैसे नहीं आएगा मैथ्स। एक वक्त आएगा जब आप मुझसे अच्छे मैथ्स करोगे, अगर आप मेरे कहे हुए जुमले पे चलोगे तो। चलो सम नंबर 5, क्या काम दिया गया है लोगों को, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या काम दिया गया है लोगों को, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब अगर मुझे लोगों को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास स्टेप है। पहला स्टेप, जो भी चीज है उसे हम एक्स मान लेते हैं, अजम्पशन, जो भी चीज है उसे हम एक्स मान लेते हैं। ये एक्सरसाइज का चौथा सम है, काफी कुछ आ जाना चाहिए आपको। पहला स्टेप पूरा। दूसरा स्टेप मल्टीप्लीकेशन, मैं 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिपेंड करता है डेसिमल बाद कितने लोग। डेसिमल बाद 3 लोग तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। अबे सुन रहे हो, डेसिमल बाद 3 लोग तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1000 × x, अब इस वाले पार्ट को आप चाहो तो लॉन्ग कट में सॉल्व करो या चाहो तो शॉर्टकट में काउंट करो, आंसर एक ही आना है। अगर मैं लॉन्ग कट में जाऊं तो टाइम बर्बाद होगा, शॉर्टकट में काउंट कर लो, आपको सिखाया गया है ना। दो कैसे, ये डेसिमल है, डेसिमल सही, सही पार्टीशन कर, डेसिमल के इस तरफ पहले से ही 2 है, डेसिमल के इस तरफ पहले से ही 2 है, तो 2 को दिखा दिया, 1 0 जाएगा, 5 लेके आएगा, 1 0 जाएगा, 1 लेके आएगा, 1 0 जाएगा, 4 लेके आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे। डेसिमल का डेसिमल इस तरफ है ना, डेसिमल आप देखो, मैं थोड़ा सा डेसिमल बड़ा कर देता हूं, इस तरफ 2 है तो 2 एज इट इज, 2 तो पहले से था ना, तो सो कहां से लेके आओगे, 2 तो इधर पे पहले से था, 1 0 गया, 5 लेके आया, 1 0 गया, 1 लेके आया, 1 0 गया, 4 लेके आया, 3 0 गए, 3 चीजें लेके आया। डेसिमल के उस तरफ 514 बहुत बार है, 514 बहुत बार है, डेसिमल के उस तरफ 514 बहुत बार है, इतने बार है कि आप गिनती नहीं कर सकते। तो अगर एक बार 514 चला गया इस तरफ तो क्या वहां वालों को फर्क पड़ेगा, तो क्या वहां वालों को फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे नहीं, पहले भी 514 बार हुआ करता था, अभी भी 514 बार रहेगा। क्या बोलोगे, पहले भी 514 बार हुआ करता था, अभी भी 514 बार ही रहेगा। मैं बार बार समझा रहा हूं, समंदर में से अगर एक लोटा पानी ले लिया जाए तो क्या समंदर में पानी कम हो जाएगा, नहीं। तो उसी ही तरह से 514 बहुत बार है, अनगिनत बार है, अगर एक 514 यहां ले लिया जाए तो क्या इसको फर्क पड़ेगा, नहीं। ये पहले भी 514 बार था, ये अभी भी 514 बार ही रहेगा। ठीक है, मैं सब थोड़ा सही कर देता हूं ताकि आपको सही से लिखे, सही। बस इस तरह से मेरा दूसरा स्टेप पूरा हो गया। तीसरा स्टेप सब्ट्रैक्शन, कैसे, तीसरे वाले को पहले वाले से
लेकिन ध्यान ये रहे कि लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व होना चाहिए ये वाला, इस वाले से लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। चलो, 1000 बार एक्स में से एक बार एक्स गया, 999 बार एक्स, 1000 टाइम एक्स में से 1 टाइम एक्स चला गया, 999 times एक्स। ये देखो 2514.514 बार डेसिमल के नीचे 514 बार और यहां पे 2.514 बार 0.514 बार कैंसिल, 4 में से 2 गया 2, 1 5 2 2512 सही है। मैंने अजम्पशन कर लिया, मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, मैंने सब्ट्रैक्शन कर लिया, मेरा आखिरी स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मेरा आखिरी स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इन सब में से एक्स चाहिए तो एक्स अकेला होना चाहिए, इन सब में से एक्स चाहिए तो एक्स अकेला होना चाहिए, इसके पास जो 999 है वो नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई वाले को शिफ्ट करो तो क्या बन जाएगा, वो डिवाइड ऊपर वाला नीचे, अगर ये कटा तो ठीक, अगर ये नहीं कटा तो ये मेरा आंसर है, मैंने पी एफ ऑन क्यू वाला फॉर्म फाइंड कर दिया। तो यहां पे जिद नहीं करने का कि नहीं तू कट, तू कटना ही चाहिए, अगर कटा तो भी ठीक, नहीं कटा तो भी ठीक, और ये क्या मेरा आंसर है। हाँ, देखो लाइट ना थोड़ी उपनचे हो रही होगी, कभी मैं येलो दिख रहा रहूंगा, कभी मैं ब्लैक दिख रहा रहूंगा, कभी मैं व्हाइट दिख रहा रहूंगा, लाइट आ रही जा रही है तो इसलिए वो लाइट में फर्क आ रहा है, बाकी बोर्ड तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। चलो आज का आखिरी सम सॉल्व करते हैं, जो सबसे पहला था उसको मैं सबसे आखिर में ले गया, सब आता है आपको। चलो, क्या काम दिया गया है क्वेश्चन ने, क्या काम दिया है क्वेश्चन ने, कहा है लोगों को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्वेश्चन ने कहा है लोगों को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टेप्स, अजम्पशन, जो भी दिया है वो x हो जाएगा, जो भी दिया है वो x हो जाएगा, तो 0.6 बार दिया है, इसको हमने क्या मान लिया x। फिर आप बोलोगे सर हमारी टेक्सटबुक में तो 0.6 डॉट दिया है, तो डॉट मतलब भी बार है ना, और ये बार मतलब भी बार है, ठीक। यहां पे अगर 7 होता तो ये डॉट घसीन की लाइन बन गई होती, तो आपकी जो टेक्सटबुक है ना उसने ऐसा डॉट दिखाया है, वो दिखने में वजह से डॉट है लेकिन वो है बार, उसके पास कोई सेकंड डिजिट नहीं था ना, अगर सेकंड डिजिट होता तो वो घसीटता ना, उसके पास सेकंड डिजिट है ही नहीं, उसने घसीटा ही नहीं, तो बार आपको डॉट की शक्ल में दिख रहा है, समझे, लेकिन वो है बार, तो कंफ्यूज नहीं होने का। मैंने बार खींच कर रखा हूं, मेरे पास बहुत चला है, ठीक। तो मुझे लोगों को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, मेरा सबसे पहला स्टेप अजम्पशन, मैंने अजम्पशन कर लिया। दूसरा स्टेप मल्टीप्लीकेशन, 100 से भी होता है, 10 से भी होता है, 1000 से भी होता है, डिपेंड करता है डेसिमल बार कितने लोगों का। तो अगर मैं यहां डेसिमल को देखूं तो डेसिमल बार 1 लोग, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहां देखो डेसिमल बार 2 लोग, 100 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल बार 3 लोग, 1000 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल बार 1 लोग, 10 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर मैं मल्टीप्लाई दिखा रहा हूं तो मल्टीप्लाई करो, 10 × x, 10x, इसको शॉर्टकट में काउंट कर लें, पार्टीशन कर दो, ठीक। डेसिमल के इस तरफ कुछ नहीं तो यहां भी कुछ नहीं आएगा फिलहाल, जब यहां देखो डेसिमल के यहां था तो मैंने पहले 2 लिखा था, बाद में लोगों को लाना शुरू किया था, डेसिमल के इस तरफ 15 था तो मैंने 15 लिखा था, बाद में लोगों को लाना शुरू किया था, अब यहां पर डेसिमल बाद कुछ नहीं तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, लोगों को लाना शुरू करो, 1 0 गया, पहली चीज को लेके आ गया, क्या और 0 है, नहीं, 1 0 था उसने 21 को लेके आ गया, ठीक, 1 0 था उसने 21 को लेके आ गया, मामला खत्म ना, और 0 है नहीं, और 0 है नहीं तो और लोग आएंगे भी नहीं, तो मामला, अब वहां लिखो डेसिमल के इस तरफ बहुत बार 6 है, डेसिमल के इस तरफ बहुत बार 6 है, अगर एक बार 6 चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, वो पहले भी 6 बार था वो अभी 6 बार होगा, सुने
एक जीरो गया एक छह लेके आ गया, एक जीरो गया एक छह लेके आ गया। डेसिमल के उस तरफ बहुत बार छह था, अनगिनत। अगर एक बार छह इस तरफ आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, वो पहले भी छह बार था वो अभी भी छह बार रहेगा, वो पहले भी छह बार था वो अभी भी छह बार रहेगा। सही, मैंने मल्टीप्लीकेशन दिखाया, मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये आपका पहला स्टेप असम्पशन, ये आपका दूसरा स्टेप मल्टीप्लीकेशन, तीसरा स्टेप सबट्रैक्शन। कैसे? तीसरे वाले को पहले वाले से लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तीसरे वाले को पहले वाले से, ये रहा तीसरा वाला, ये रहा पहला वाला, लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तीसरे वाले को पहले वाले से, है ना, तीसरे वाले को ये पूरा, ये पूरा यहां से लेके यहां तक तीसरा वाला, तीसरे वाले को पहले वाले से। मल्टीप्लीकेशन दिखा रहे थे, मल्टीप्लीकेशन कर दिए, सब्ट्रैक्शन दिखा रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर दो, 10 बार x में से एक बार x गया 9 बार x, इसको माइनस कर दे, 6.6 बार डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0.6 बार 0.6 बार 0.6 बार कैंसिल, 6 में से कुछ नहीं गया 6, आप डायरी भी कर सकते हो, 0.6 बार 0.6 बार कैंसिल, 6 में से कुछ नहीं गया 6, ठीक। कितने स्टेप पूरे हो गए? 3। असम्पशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, आखिरी स्टेप। इन सब में से मुझे x चाहिए, बोलो, इन सब में से मुझे x चाहिए, जो चाहिए वो अकेला होना चाहिए, जो चाहिए वो अकेला होना चाहिए, 9 नहीं चाहिए, 9 को वहां भेजना होगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, नीचे वाला ऊपर, अगर ये कटा तो ठीक, नहीं कटा तो ये मेरा आंसर है, अगर ये कटा तो ठीक, नहीं कटा तो ये मेरा आंसर है, कटेगा। 3 3 3 2 x = 2/3 और ये मेरा आंसर, सुने, अगर ये कटा तो ठीक, नहीं तो ये मेरा आंसर है, अगर ये कटा तो ठीक, नहीं तो ये मेरा आंसर है, अगर ये कटा तो ठीक और ये मेरा आंसर है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि कटना ही चाहिए, कटा तो भी चलेगा, नहीं कटा तो भी चलेगा। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को आज 2.1 फिनिश करवा दिया। ये मेरे इनिशियल्स के लेक्चर थे, मैंने स्पीड काफी स्लो रखा ताकि आपको समझ में आए, हो सकता है कि मैं आगे चल के अपनी स्पीड तेज करूं। लेक्चर खत्म हो गया है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको सम आ गया होगा, मैं चाहता हूं कि सम आपको आए, आप एग्जाम में लिखने लायक रहो, सिर्फ मेरी वीडियो देखो और तारीफ करो या बुराई करो, सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे या सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हो। ये हमारी कोशिश थी कि हम आपको सिखाएं, अब सारी चीज आपके ऊपर है कि आपको कैसे आना चाहिए, ठीक है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और खूब मन लगा के पढ़ा।